साथियों, एक परिवार की सत्ता भूख इतने चरम पर है कि उन्होंने खुद की पार्टी को ही खा लिया है। देश के अलग अलग भागों में कई पुराने जमाने के कांग्रेस कार्यकर्ता है, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जो अपने जमाने की कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज की कांग्रेस के विचार से, व्यवहार से, आदत से उनको ये साफ पता चल रहा है कि ये वो कांग्रेस नहीं है। इसलिए कांग्रेस में आंतरिक रूप से असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उनकी आरती उतारने वाले भले आज इन खबरों को दबा के रखे, लेकिन भीतर आग बहुत बड़ी है। असंतोष की ज्वाला भड़क चुकी है। सिर्फ एक परिवार के ही लोगों को कांग्रेस चलाने का हक है। सिर्फ वही परिवार काबिल है, दूसरे नाकाबिल है। परिवार की सोच ने, इस जीत ने कांग्रेस में एक ऐसा माहौल भी बना दिया कि किसी भी समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया है। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता आज सिर्फ और सिर्फ परिवार है। देश की जनता उनकी प्राथमिकता नहीं है। और जिस पार्टी की प्राथमिकता जनता ना हो, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायी होती है। साथियों, कांग्रेस का परिवार सत्ता के बिना जी नहीं सकता। चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। दक्षिण में जाकर उत्तर को गाली देना, उत्तर में जाकर के दक्षिण को गाली देना, और विदेश में जाकर देश को गाली देना, और अहंकार इतना कि ना किसी का मान, ना किसी की मर्यादा, आंख खुले आम झूठ बोलते रहना, हर दिन एक नया झूठ बोलते रहना, यही कांग्रेस और उसके परिवार की सच्चाई बन गई है। आज कांग्रेस का अर्बन नक्सलवाद भारत के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। इन अर्बन नक्सलियों का रिमोट कंट्रोल देश के बाहर है, और इसलिए सभी को इस अर्बन नक्सलवाद से बहुत सावधान रहना है। आज देश के युवाओं को, हर प्रोफेशनल को,